हेलो एवरी वन माई सेल्फ लक्ष्मी चंद फ्रॉम मैथेमेटिक सॉल्यूशन आज मैं डिस्कस करूँगा आपको डेरीवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस तो ये आपके जो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं तो मेरे पास एक्स और वाई डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यदि मैं इन वेरिएबल्स को किसी थर्ड पैरामीटर या थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूँ तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म और जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर उसको हम पैरामीटर बोलते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है एक्स जुक्ल टू कॉस टी थ्री माइनस टू कॉस स्क्वायर टी एंड वाई जुक्ल टू साइन टी थ्री माइनस टू साइन स्क्वायर टी तो मैंने एक्स और वाई को टी के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है यहाँ पर मैंने जो थर्ड पैरामीटर है वो थीटा लिया हुआ है और एक्स जुक्ल टू ए थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये आपका वाई जुक्ल टू तो यहाँ पर मेनली आपका जो थर्ड पैरामीटर है वो थीटा या फिर टी मोस्टली होता है अब इसमें ये मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हुए हैं इसके कि आपके कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म के और ये सामने जो है ये आपका 2014 में पूछा था ये 14 एंड 19 में पूछा था आपका ये 12, 13 और 14, 15 एंड 16 में पूछा था आपका ये एट और थर्टीन में था ये ट्वेल्व में था और ये ट्वेल्व सेवनटीन और फिफ्टीन केवल फिफ्टीन में क्या चेंज था यहाँ पर टू टी और यहाँ पर स्कॉस टू टी था इतना चेंज था और आपका ये दोनों क्वेश्चंस जो है अभी ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन और ये अभी रिसेंटली पूछा गया है ए कॉस टी तो ये हमारे अब इसमें आता है कि पैरामेट्रिक तो आपका देखो इसमें एक्स है और आपका x थर्ड पैरामीटर मेरा t है तो इसका मतलब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t इट मीन्स यू विल गेट dx एक्स अपॉन डी और यदि आपने y को डिफ्रेंशिएट किया है तो आपको मिलेगा dy वाई अपॉन डी और आपने फाइंड आउट करना है dy वाई अपॉन डी तो dy वाई अपॉन डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी और डिवाइडेड बाई dx एक्स अपॉन डी तो ये हमारा इसमें dy डी एक्स के लिए फार्मूला यूज होगा यदि आपका थर्ड पैरामीटर थीटा है देन दिस कैन बी रिटर्न एज डी वाई अपॉन डी एक्स इट विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा तो ये आपका यदि पैरामीटर थीटा है तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा अब इसमें मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपका इसमें आपको थोड़ा क्या है कि जो कॉस सी माइनस कॉस डी या साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी यदि कहीं भी एप्लीकेबल है क्योंकि देखो आपको यहाँ पर डिवीज़न करना है और डिवीज़न हमारा जब पॉसिबल जब ईजी होता है जब आपका ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में हो और आपका ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में हो क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो वो इजीली कैंसिलेशन हो जाएगा प्लस माइनस में हम इजीली उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है तो हमारे को वैसे बाकी इसमें डेरिवेटिव में इतना कोई वो नहीं है चेन रूल का ध्यान रखना है तो फर्स्ट में इस क्वेश्चन को लेता हूं सो डिफ्रेंसीएट दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स सॉरी टी तो डिफ्रेंसीएट यहां आपको ये नोट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी दे आर फोर डी एक्स अपॉन डी टी इट विल बी इक्वल टू ये आपका टेगनोमेटिक फंक्शन है ये भी आपका टेग्नोमेटिक फंक्शन है दोनों का प्रोडक्ट है तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपका कॉस्ट टी फर्स्ट फंक्शन कॉपी किया मैंने डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड आपका थ्री का डेरिवेटिव जीरो और ये आपका टू बाहर होगा तो मीन्स माइनस टू और कॉस स्क्वायर का आपका एक्स एन का फॉर्मला लगेगा तो इट मीन्स टू कॉस्टी एंड बाय चेन रूल कॉस्टी का माइनस साइन टी मीन्स दिस विल बी साइंटी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अब प्लस आप इसको नोट करोगे प्लस थ्री माइनस टू कॉस स्क्वायर टी एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉस टी मीन्स माइनस टी अब इसको मैंने सिंपलीफाई किया तो आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी फोर कॉस स्क्वायर टी और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका माइनस माइनस थ्री टी और ये आपको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका प्लस टू कॉस स्क्वा टी साइंटी अब यहाँ हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें से हमारा साइंटी कॉस टी कॉस स्क्वा टी और टी ये फोर है और ये आपका सिक्स हो जाएगा तो सिक्स कॉस स्क्वा टी साइंटी और माइनस थ्री साइन टी अब इसमें से मैं साइन टी कॉमन निकालता हूँ थ्री साइन टी तो ये आपकी वैल्यू होगी थ्री टू कॉस स्क्वा टी माइनस वन और टू कॉस स्क्वा टी माइनस वन दिस इज कॉस टू है इट मीन इट विल बी थ्री साइन टी कॉस टू टी तो ये आपका सिंपल डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आती है अब आपने निकालना है डी वाई अपॉन डी टी सो डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टी देन इट विल बीक टू फर्स्ट फंक्शन साइन टी एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस थ्री का आपका जीरो हो जाएगा माइनस टू इंटू टू साइन टी और साइन टी का आपका कॉस टी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अब प्लस आप थ्री माइनस टू साइन स्क्वायर टी ये कॉपी करेंगे सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज कॉस टी अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा माइनस फोर साइन स्क्वायर टी कॉस्टी और ये आपका हो जाएगा प्लस थ्री कॉस टी और ये आपका होगा माइनस टू साइन स्क्वायर टी कॉस टी अब मैं यहाँ से देखता हूँ ये फोर और ये टू माइनस के सिक्स हो जाएंगे देन थ्री कॉस टी माइनस सिक्स साइन स्क्वाये टी कॉस टी अब इसमें से आपका थ्री कॉस टी कॉमन होगा आपका देन यू विल गेट वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी एंड दिस इज़ कॉस टू ए सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री कॉस टी एंड कॉस टू टी सो दिस इज़ अ डी वाई अपॉन डी टी ये आपका डी वाई अपॉन डी टी है और ये आपका डी एक्स अपॉन डी टी दे आर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स इट विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी सो थ्री कॉस टी कॉस टू टी डिवाइडिड बाई थ्री साइन टी एंड कॉस टू टी सो कॉस टू टी कैंसिल आउट विद दिस थ्री कैंसिल आउट दिस देन इट विल बी कॉट टी सो दिस इज द डी वाई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट दिज टू विद रेस्पेक्ट टू ठीक है देन डी एक्स अपॉन डी थीटा इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ए कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर कर दिया इसको अब आपका ई थीटा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा प्लस साइन थीटा प्लस आपने ये कॉपी किया डेरिवेटिव ऑफ इ थीटा दैट इज इ थीटा सो इ थीटा इज कॉमन फ्रॉम दिस थीटा देन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस् थीटा सो इट विल बी कैंसिल आउट देन टू सो टू ए थीटा साइन थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा इट विल भी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ई थीटा फर्स्ट फंक्शन मैंने कॉपी किया डेरीवेटिव ऑफ दिस कॉस्थीटा माइनस साइन थीटा प्लस आपने साइन थीटा प्लस कॉस्थीटा कॉपी किया देन डेरीवेटिव ऑफ ई थीटा दैट इज ई थीटा सो इ थीटा इज कॉमन देन ए थीटा एंड कॉस्थीटा माइनस साइन थीटा plus sine theta plus cos theta so it will be cancel out then it will be 2a e theta cos theta then dy dx it will be equal to dy upon d theta means 2a e theta cos theta divided by 2a e theta sine theta so 2a theta it will be cancel out then it will be equal to cot theta डिफ्रेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू टी तो मैंने फर्स्ट आपका ए कॉपी किया ए बाहर किया और फर्स्ट फंक्शन अब डेरीवेटिव हो इसका आपका जीरो होगा इसका आपका माइनस साइन टू टी माइनस साइन टू टी इंटू टू अब आपने सेकेंड कॉपी किया प्लस वन प्लस कॉस टू टी और डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन टू टी मीन्स कॉस टू टी इंटू टू आप इसको ब्रैकेट आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपका ए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका टू साइन स्क्वायर टू टी माइनस में इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कॉस टू टी टू कॉस टू टी एंड प्लस टू कॉस स्क्वायर टू टी अब आप इनसे आपका टू कॉमन है ए कॉस स्क्वायर टू टी माइनस साइन स्क्वायर टू टी इंटू टू और ये आपका टू कॉस टू टी तो ये आपका टू दोनों से कॉमन हो जाएगा टू और ये आपका हो जाएगा कॉस टू ए मीन्स कॉस फोर टी और ये आपका हो जाएगा प्लस कॉस टू टी अब कॉस सी प्लस कॉस डी सो टू इंटू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू सिक्स मीन्स थ्री टी इंटू कॉस 4 minus 2 cos t so it is the derivative of this similarly we can find dy upon dt so dy upon dt it will be equal to b so a is here and a is also here and b is outside this bracket first function copy to cos 2t and derivative of this 0 and uh, minus minus plus sin 2t into 2 first function derivative of second plus uh, second function 1 minus cos 2t and uh, derivative of first sin minus sin 2t or into 2 on simplification b and it will be 2 sine 2t cos 2t and uh, here we will get 2 minus 2 sin 2t and minus minus plus 2 cos 2t sine 2t so 2 sin 2t 2 sin 2t 2, this is a uh, sine 2a and sine 2a so it means uh, that will be b 2 sin 4t, 2 sin 4t and minus 2 sin 2t and uh, 2 is common and apply sin c minus sin d, to 2b and sin c minus sin d, 2 cos 3t and sin t and uh, find dy dx, so dy upon dx that will be equal to dy upon dt means 4b cos 3t sin t divided by 4a cos 3t and cos t. So, this uh, cos t cos t and 4 cancel out with this, then it will be equal to b upon a tan t. So, this is the answer of uh, this. ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका तो डिफ्रेंशिएट दीज टू विद रेस्पेक्ट टू टी देन डी एक्स अपॉन डी टी दैट विल बी ए कॉन्स्टेंट एंड डेरीवेटिव ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी एंड लॉग एक्स वन अपॉन एक्स बाई चेन रूल टेन एक्स का आपका सेक्स स्क्वायेर एक्स एंड फर्दर चेन रूल टी बाई टू का आपका हाफ इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं ये आपका सिंप्लीफाइड है का सो ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस डी एक्स अपॉन डी टी it will be equal to a minus sine t plus this 10 can be written as sine upon cos so cos ty2 upon sine ty2 into sec square 1 upon cos square ty2 and half of is this so cos ty2 then 2 sine into cos a so this is the formula of sine 2 a then dx upon dt it will be equal to a minus sine t and plus 1 upon sin t. So, by taking LCM it will be equal to 1 minus sin square t upon sin t and this is cos square t. So, a cos square t upon sin t. So, this is the value of dx upon dt. Therefore, dy upon dx dy upon dt a cos t and divided by dx upon dt a cos square t upon that is sin t. So cos t cancel out with this a cancel out with this then it will be equal to tan t. So on multiplication of these two we can write xy is equal to a sin inverse t into a cos inverse t. It means it will be equal to a sin inverse t plus cos inverse t and uh, sin inverse t plus cos t that is pi by 2 so it will be a to the power pi by 2 so it means it is purely constant term means derivative of this will be 0 then differentiate this means we have this so differentiate with respect to x So, first function derivative of y means uh, dy upon dx plus y derivative of x is 1 that is 0 it means डी वाई अपॉन डी एक्स इट विल भी इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिफरेंशिएट दिज टू विद रेस्पेक्ट टू टी देन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट मैंने बाहर कर दिया आपका बाई फर्स्ट दिसव ऑफ कॉस्टी मींस अ साइंटी And apply the product rule because it is the product of these two terms. So, first t, then derivative of sine is cos t plus sine t, and derivative of t is 1. It means this will be cancelled out, meant, uh, means uh, you will get a into t cos t. Similarly, this dy upon dt that will be equal to a outside the bracket, derivative of sine t is cos t and minus product by product rule t and cos t so first t is copied then sine is minus sine t derivative of cos t plus cos t common uh, cos t is copied then t is 1 so on simplification if we expand the bracket this cos t cancel out with this one or you will get a t sine t therefore dy upon dx it will be equal to a t sine t divided by a t cos t. So a t cancel out with this means that will be equal to 10 t. So this is the answer of dy dx. And similar way we can find differentiate these two with respect to t and dy upon dx. So divide the this value by this means write e to the power sine 2 t cos 2t into 2 divided by e cos 2t minus sin 2t into 2 to cancel out with this and this is a y and this is a x so it means y upon x and what is a cos 2t and sin 2t so if we Write this in exponential form so e cos 2t means taking log both sides. So means log x it will be equal to cos 2t. Log is 1. Similarly, log y it will be equal to sine 2t. It means it can be written as log y, it can be written as log x and this is y and this is x so therefore this dy upon dx it will be equal to minus it is y it is x cos 2t is log x and uh, sin 2t is log y so this is the answer and this is the proof of uh, this question thank you students thank you for watching